hello students welcome to my channel i am your maths teacher charu today we will discuss questions of exercise 2.5 chapter 2 linear equations in one variable now we start question so solve the following linear equation क्वेश्चन वन स्टेटमेंट इज एक्स अपॉइन्ट टू माइनस वन अपॉइंट फाइव इक्वल टू एक्स अपॉइंट थ्री प्लस वन अपॉइंट फोर सो इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है सो वी स्टार्ट सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन वन अब आप यहाँ पर देखिए ये टर्म है एक्स बाई टू और राइट साइड एक्स अपॉइंट थ्री और यहाँ पर लेफ्ट साइड माइनस वन अपॉइंट फाइव कॉन्स्टेंट टर्म है और राइट साइड वन अपॉइंट फोर कॉन्स्टेंट टर्म तो एक्स की टर्म को हम लेफ्ट साइड रखेंगे और कॉन्स्टेंट टर्म को हम राइट right साइड रखेंगे सो एक्स अपॉन टू एज इट इज़ रहेगा एक्स अपॉन थ्री लेफ्ट साइड माइनस में हो जाएगा प्लस का वन बाई फोर एज इट इज़ और माइनस का वन बाई फाइव राइट साइड जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा अब हम इसे सिम्प्लीफाई करें इनका एल्शियम लेंगे दोनों साइड टू और थ्री कैल्शियम सिक्स बनेगा फोर और फाइव कैल्शियम ट्वेंटी बनेगा तो टू से अगर हम सिक्स को डिवाइड करेंगे थ्री आएगा थ्री को एक्स से मल्टीप्लाई थ्री एक्स थ्री से डिवाइड करेंगे टू टू को एक्स से मल्टीप्लाई टू एक्स अब राइट साइड सोल्व करेंगे फोर से डिवाइड करेंगे फाइव फाइव को वन से मल्टीप्लाई फ़ाइव फाइव से डिवाइड करेंगे ट्वेंटी को फोर होगा फोर को वन से करेंगे फोर ही आएगा अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे थ्री एक्स में से टू एक्स माइनस करेंगे तो क्या आएगा वन एक्स यानी कि एक्स अपॉन में सिक्स एज इट इज़ इक्वल्स टू फाइव प्लस फोर नाइन अपोन ट्वेंटी तो अब सिक्स डिवाइड में है राइट साइड जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा इन्हें हम सिंप्लीफाई करेंगे टू थ्री जा सिक्स टू वन जै टू जीरो एज इट इज़ एक्स की वैल्यू क्या आएगी नाइन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेंटी सेवन अपॉन टेन एज इट इज तो एक्स की वैल्यू आई है ट्वेंटी सेवन अपॉन टेन नाओ क्वेश्चन टू सो क्वेश्चन टू स्टेटमेंट इज एन अपॉन टू माइनस थ्री एन अपॉन फोर प्लस फाइव एन अपॉन सिक्स इक्वल्स टू ट्वेंटी वन इस इक्वेशन को भी हम सिंप्लीफाई करेंगे और एन की वैल्यू फाइंड करेंगे सो वी स्टार्ट सोल्यूशन सो so, अब यहाँ पर जो एन वेरिएबल की टर्म है वो लेफ्ट साइड ही है राइट साइड ट्वेंटी वन टर्म है तो लेफ़्ट साइड हम एल्सियम लेंगे टू फोर सिक्स का एल्सीयम लेंगे तो क्या आएगा ट्वेल्व तो टू से डिवाइड करेंगे ट्वेल्व को सिक्स आएगा सिक्स को एन से मल्टीप्लाई सिक्स एन माइनस फोर से डिवाइड करेंगे थ्री थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे नाइन एन सिक्स से डिवाइड करेंगे ट्वेल्व को टू आएगा टू को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे टेन एन इक्व टू ट्वेंटी वन एज इट इज़ अब हम इसे सिम्प्लीफाई करेंगे सिक्स एन प्लस कै और नाइन एन माइनस का प्लस, प्लस माइनस माइनस नाइन में से सिक्स माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस थ्री एन प्लस टेन एन एज इट इज़ ट्वेल्व डिवाइड में राइट साइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा अब इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे प्लस माइनस 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 करेंगे टेन में से थ्री सेवन आएगा और टेन का जो साइन है प्लस सो सेवन का भी वही साइन रहेगा ट्वेंटी वन को ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा टू हंड्रेड फिफ्टी टू एंड एज इट इज रहेगा टू हंड्रेड फिफ्टी टू सेवन जो है वो मल्टीप्लाई में था राइट साइड जाएगा वो डिवाइड में हो जाएगा अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे सेवन के टेबल पर ये कट हो जाएगा सेवन वन जा सेवन सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन तो ट्वेंटी फाइव में से ट्वेंटी वन माइनस करेंगे फोर फोर टू फोर्टी टू सेवन सिक्स या फोर्टी टू तो एन की वैल्यू कितनी आई है थर्टी सिक्स तो हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया तो एन की वैल्यू आई है थर्टी सिक्स नाउ क्वेश्चन थ्री सो क्वेश्चन थ्री स्टेटमेंट इज़ एक्स प्लस सेवन माइनस एट एक्स अपॉन थ्री इक्वल्स टू सेवनटीन अपॉन सिक्स माइनस फाइव एक्स अपॉन टू तो इस इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है अब यहाँ पर एक्स वेरिएबल है और प्लस सेवन है कॉन्सटेंट टर्म और ये जो थर्ड टर्म है वो भी एक्स की है तो सेवनटीन अपॉन सिक्स ये कॉन्सटेंट टर्म है और ये एक्स की टर्म है तो एक्स की टर्म को हम लेफ़्ट साइड रखेंगे और जो कॉन्सटेंट टर्म है उसे हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे सो एक्स एज इट इज़ माइनस एट एक्स अपॉन थ्री एज इट इज़ तो ये माइनस फाइव एक्स अपॉन टू लेफ्ट साइड जाएगा वो प्लस में हो जाएगा इक्वस टू सेवनटीन अपॉन सिक्स एज इट इज़ प्लस का सेवन राइट साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा डिनोमिनेटर यहाँ पर वन रहेगा अब हम इन्हें सिम्प्लीफाई करेंगे तो इनका एल्शियम लेंगे लेफ्ट साइड भी एल्सियम लेंगे और राइट right साइड भी थ्री और टू का एल्शियम बनेगा सिक्स सिक्स और वन का एल्शियम बनेगा सिक्स वन के टेबल पर सिक्स डिवाइड होगा सिक्स आएगा सिक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स एक्स थ्री से डिवाइड करेंगे सिक्स को टू आएगा टू को एट से मल्टीप्लाई सिक्सटीन एक्स प्लस टू से डिवाइड करेंगे सिक्स को थ्री आएगा थ्री को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे फिफ्टीन एक्स सिक्स को सिक्स से डिवाइड करेंगे वन वन सेवनटीन को मल्टीप्लाई करेंगे सेवेंटीन माइनस वन से डिवाइड करेंगे सिक्स को तो सिक्स आएगा सिक्स को सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे फोर्टी टू अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो सिक्स एक्स और माइनस का सिक्सटीन एक्स है तो प्लस माइनस माइनस सिक्सटीन में से सिक्स माइनस करेंगे टेन एक्स आएगा इनमें ग्रेटर नंबर था सिक्सटीन तो टेन का साइन भी माइनस रहेगा प्लस फिफ्टीन अब एक्स अपॉन सिक्स इन्हें हम सिंप्लीफाई करेंगे प्लस माइनस माइनस तो फोर्टी टू में से सेवनटीन माइनस करेंगे तो क्या आएगा ट्वेंटी फाइव इनमें ग्रेटर नंबर फोर्टी टू है इसका साइन माइनस है ट्वेंटी फाइव का साइन भी माइनस रहेगा अपोन में सिक्स एज इट इज़ माइनस का टेन एक्स है प्लस का फिफ्टीन एक्स माइनस प्लस माइनस सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा फाइव एक्स अपौन सिक्स माइनस ट्वेंटी फाइव अपोन सिक्स अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे फाइव एक्स एज इट इज़ माइनस ट्वेंटी फाइव अपॉन सिक्स एज सिक्स डिवाइड में था राइट right साइड जाएगा मल्टीप्लाई में होगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे ऐसे ही ये फाइव मल्टीप्लाई में है राइट right साइड जाएगा तो डिवाइड में होगा फाइव से हम डिवाइड करेंगे ट्वेंटी फाइव को फाइव वन या फाइव 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 या ट्वेंटी फाइव तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है माइनस फाइव नाउ क्वेश्चन फोर सो क्वेश्चन फॉर स्टेटमेंट इज़ एक्स माइनस फाइव अपॉन थ्री इक्वल्स टू एक्स माइनस थ्री अपॉन फाइव तो इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे और एक्स की वैल्यू फाइन करेंगे अब एक्स माइनस फाइव अपॉन थ्री है यानी कि थ्री डिवाइड में है ऐसे ही एक्स माइनस थ्री के डिवाइड में फाइव है तो अगर थ्री राइट साइड जाएगा वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और फाइव जो डिवाइड में है वो लेफ्ट साइड जाएगा वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो हम इसे सिम्प्लीफाई करेंगे फाइव लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा ऐसे ही थ्री जो डिवाइड में था राइट साइड जाएगा वो भी मल्टीप्लाई में हो जाएगा अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे फाइव को एक्स माइनस फाइव से मल्टीप्लाई फाइव को पहले एक्स से करेंगे फाइव एक्स फिर फाइव को माइनस फाइव से करेंगे मल्टीप्लाई ट्वेंटी फाइव थ्री को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एक्स थ्री को माइनस थ्री से करेंगे माइनस नाइन अब एक्स की टर्म को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे फाइव एक्स एज इट इज़ लेफ़्ट साइड आएगा थ्री एक्स माइनस का होगा माइनस नाइन एज इट इज़ माइनस ट्वेंटी फाइव राइट साइड जाएगा वो होगा प्लस का फाइव में से थ्री गया टू टू एक्स आ जाएगा अब ट्वेंटी फाइव में से हम नाइन सब्ट्रैक्ट करेंगे क्यों क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा तो ट्वेंटी फाइव में से नाइन माइनस करेंगे सिक्सटीन आएगा प्लस का साइन है ट्वेंटी फाइव तो सिक्सटीन भी प्लस का ही रहेगा टू मल्टीप्लाई में एक्स के साथ राइट right साइड जाएगा डिवाइड में होगा सिम्पलीफाई करेंगे टू वन जेरो टू एट सिक्सटीन तो एक्स की वैल्यू क्या आई है एट नाउ क्वेश्चन फाइव सो क्वेश्चन फाइव स्टेटमेंट इज थ्री टी माइनस टू अपॉइंट फोर माइनस टू टी प्लस थ्री अपॉन्ट थ्री इज इक्व टू टू अपॉइंट थ्री माइनस टी सो हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और टी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है सो फर्स्ट टर्म टी वेरिएबल की है सेकेंड भी टी वेरिएबल है राइट साइड टू बाई थ्री कॉन्स्टेंट है और टी को हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे सो so, थ्री टी माइनस टू अपॉन फोर एज इट इज़ टू टी प्लस थ्री अपोन थ्री एज इट इज़ माइनस टी है लेफ़्ट साइड right जाएगा प्लस का टी हो जाएगा अपोन वन इक्व टू टू अपॉन थ्री एज इट इज़ इन्हें हम सिंप्लीफाई करेंगे इन कैल्शियम लेंगे फोर और थ्री कैल्शियम बनेगा ट्वेल्व फोर से डिवाइड करेंगे ट्वेल्व को तो क्या आएगा थ्री यानि कि थ्री थ्री टी माइनस टू क्योंकि हमें थ्री को थ्री टी माइनस टू से मल्टीप्लाई करना है माइनस एज इट इज़ थ्री से डिवाइड करेंगे ट्वेल्व को फोर आएगा तो फोर को टू टी प्लस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वन से डिवाइड करेंगे ट्वेल्व ही होगा ट्वेल्व को टी से मल्टीप्लाई ट्वेल्व टी इक्वस टू टू ओ पॉइंट थ्री एज इट इज़ अब हम इन्हें सिम्प्लीफाई करेंगे तो थ्री को थ्री टी माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री को थ्री टी से मल्टीप्लाई करेंगे नाइन थ्री को माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सिक्स अब माइनस फोर को टू टी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एट टी माइनस फोर को प्लस के थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व टी एज इट इज़ इक्वल टू टू अपॉन थ्री अब ट्वेल्व डिवाइड में राइट साइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो टी के टर्म हैं उन्हें हम कंबाइन करेंगे नाइन टी माइनस एट टी प्लस ट्वेल्व टी माइनस सिक्स और माइनस ट्वेल्व को हम एक साइड रखेंगे तो अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे थ्री वन या थ्री थ्री फोर 12 ट्वेल्व टू को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एट अब हमने क्या किया था टी वाली टर्म को कंबाइन किया था और जो कॉन्स्टेंट टर्म थी सिक्स और ट्वेल्व उन्हें हमने कंबाइन किया था इक्वल टू एट सिंपलीफाई करेंगे नाइन टी माइनस एट टी क्या आएगा वन टी यानी कि टी प्लस ट्वेल्व टी माइनस माइनस प्लस सिक्स और ट्वेल्व को प्लस करेंगे तो क्या आएगा एटीन और ट्वेल्व का साइन माइनस है तो एटीन का साइन भी माइनस रहेगा इक्वस टू एट टी प्लस ट्वेल्व टी यानी कि थर्टीन टी प्लस का एटीन हो जाएगा राइट साइड शिफ्ट होगा तो क्योंकि लेफ्ट साइड माइनस था राइट साइड प्लस का हो जाएगा सो थर्टीन टी एज इट इज़ इक्वस टू एट प्लस एटीन इन्हें हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा ट्वेंटी सिक्स थर्टीन टी के साथ मल्टीप्लाई में है राइट right साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा थर्टीन वन जा थर्टीन थर्टीन टू जा ट्वेंटी सिक्स तो टी की वैल्यू कितनी आई है टू तो हमने इस इक्वेशन को सोल्व किया तो टी की वैल्यू आई है टू सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड वन टू फाइव क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज टू पॉइंट फाइव चैप्टर टू लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल सो ट्राई क्वेश्चन सिक्स यूर सेल विच इज सिमिलर टू प्रीवियस पार्ट आई होप सो यू ऑल अंडरस्टूड स्टोर डीज क्वेश्चन क्लियरली थैंक यू